हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत हो दोस्तों। इस समय रूल खोली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इस वक्त की अलग अलग बड़ी अपडेट आ रही हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट, जो कि आज यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाएगा। इसके साथ ही रूल खोली यूनिवर्सिटी की इस समय जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की परीक्षाएँ चल रही हैं, उसमें कल काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो छूट चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम था वो चेंज कर दिया गया था। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में होने से छूट गई परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव से छात्रों को परेशानी हो रही है। कई छात्रों की परीक्षा छूट जा रही। गुरुवार को बीए सेकेंड ईयर के छात्रों की द्वितीय पाली में होने वाली जो परीक्षा थी वो प्रथम पाली में शिफ्ट की गई थी, यानी कि सेकेंड मीटिंग की जो परीक्षा थी उसे फर्स्ट मीटिंग में कराया गया था, और इसकी जो सूचना थी वो नोटिस के माध्यम से आपको कई दिन पहले बताई गई थी, और हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन आपने नहीं देखी वो वीडियो और हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो छूट गया, जिसकी वजह से कई छात्र द्वितीय पाली में पहुंचे, तो पता चला कि उनकी जो परीक्षा है वो सुबह की पाली में ही हो गई है। बरेली कॉलेज में भी ऐसे कई छात्र पहुंचे जिनकी जो परीक्षा थी वो छूट गई चुकी है। अब ऐसे में जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम छूट चुका है, ठीक है, कोई भी परीक्षा उनकी छूट गई है, ठीक है, या वो इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं या उसके नंबर कम आते हैं, तो इन सभी कंडीशन में उनका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है। जिन दोस्त उनको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होता है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म आपका रिजल्ट आने के बाद पढ़ेंगे। जैसे ही आपके रिजल्ट जारी होंगे, अभी जिस कोर्स का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पहले इस कोर्स का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाएंगे। आपको उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करना है जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम छूट गया है, या एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या आप एक पेपर में या एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो उसका आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे देना है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 2022 में बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, आज उसका जो रिज़ल्ट है वो रुहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। शुक्रवार को आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तैयारी पूरी कर ली गई है, और आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते होंगे। जानकारी दी जा रही है कि प्रवेश परीक्षा के संबंध में कुलपति कार्यालय में शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे, ठीक है। बाकी बीएड प्रवेश परीक्षा आपकी 6 जुलाई को संपन्न हो चुकी है, और यदि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स है, ठीक है, एमए अर्थशास्त्र का, तो उसके लिए परीक्षा फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया विद लेट फीस के साथ। आप 8 अगस्त तक अपना जो परीक्षा फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, ₹500 लेट फीस रखी गई है। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।